रख 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 शिट वो बहुत वजन है ये आजा 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 रख 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 वजन बहुत ज़्यादा है। इस बॉक्स को भी टेबल के ऊपर नहीं रखेंगे, रिक्स लग रहा है मुझे गिरेगा ये टेबल टूट के गिरेगा। उससे अच्छा जो मशीन है ये नीचे रहने दो, नीचे ही हम इसको खोलेंगे। दोस्तों ये देखो बॉक्स का पैकिंग जबरदस्त, एकदम वुड से पैकिंग किया गया, प्लाईवुड से। क्या ये इतना ज़्यादा वजन है कि पूछो, हम दो इंसान उठा के लाने के लिए थक गए बिल्कुल एकदम। देखो प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम, एकदम हैवी ड्यूटी कार वॉशर, एकदम कमर्शियल प्रोफेशनल एकदम मशीन है वो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हैवी ड्यूटी कोई मशीन बताओ, फाइनली आज मैं लेकर आया हूँ। ये देखो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि मुझे पता आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा कि भाई ये जो कमर्शियल मशीन है इसके साथ आपको क्या क्या मिलेंगे। ये हर वॉशिंग सेंटर में इस तरह का मशीनें रहते हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी का है। तो हम इसको खोलेंगे, आपको बॉक्स का पैकिंग देख के ही पता चल रहा होगा कैसा है वो। नॉर्मली थर्माकोल वगैरह से नहीं आता, ये नॉर्मल जो कार्डबोर्ड होता है उससे नहीं होता है वो। ये देखो ये किस तरह का प्रॉपर इससे पैकिंग किया गया है। ओहो हो, मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। वाओ ये देखो, ओहो हो भाई साहब देखो जरा, वाओ ये देखो, बिल्कुल हैवी ड्यूटी पाइप दिया है। ओके अरे यार ये सिस्टम क्या, देखो ये क्विक कनेक्टर सिस्टम दिया हुआ है। वाह मशीन में जैसे कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए आसानी हो जाएगा। ओहो हो भाई ये टायर देखा क्या, बिल्कुल अंदर एयर है बिल्कुल। ये देखो हवा सिस्टम है, नोजल सिस्टम है, तो बिल्कुल एकदम वाह ये प्रॉपर ये टायर दिया है यार, इसके अंदर हवा भर सकते। देखो नोजल सिस्टम है, वाह यार ये कुछ नया था भाई, ज़बरदस्त मशीन है वो, देखने से मालूम पड़ रहा है। वो हैवी ड्यूटी इंडक्शन मोटर, मैक्सिमम पावर देखो 3000 वाट का है। देखो 180 to 120 बार शक्ति टेक्नोलॉजी, ये देखो हर चीज़ इसमें लिखा हुआ है, पावरफुल। रोक 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 और कुछ फिल्टर वगैरह निकल लेते, नहीं तो टूट जाएगा निकलने के टाइम। ये देखो ये भी कुछ कितना सारा का अलग अलग, देखो कितना सारा ऐसा फिल्टर दिया हुआ था कि मशीन में कुछ कचरा वगैरह ना जाए बोल के। वो भाई साहब क्या गन है भाई, पावरफुल गन हाथ में लेने से फील हो रहा है। देखो जरा वो हो मशीन गन है बिल्कुल ऐसा भाई, ज़बरदस्त है एकदम ज़बरदस्त है। आज तो मेरे पास टेबल में मैं रख नहीं पाया इसको, इतना हेवी है। ओके इसका ऑयल का कुछ ढक्कन है, वो ऑयल कैप। चलो फाइनल इसको निकालेंगे बाहर, उठाओ संभाल के हाथ वाथ में ना लगे। अच्छा इसमें एक्सटेंशन रॉड भी दिया है, अगर आपको लंबा चाहिए तो आप ऐसा लंबा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो ये कितना लंबा हो गया गन भाई, एक मीटर है प्रॉपर। और ये देखो यहाँ पर थ्रेड सिस्टम नहीं, यहाँ पर क्विक कनेक्टर है तो कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए वो भी आसानी हो जाएगा। और बॉक्स के अंदर क्या है अभी, और कुछ नहीं है। चलो अब हम बॉक्स को अभी साइड में रखने वाले। ओके और ये जो पावर पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोटर बहुत ही हैवी है तो आपको पावर पॉइंट जो है वो 15 mm का लगाना चाहिए, 5 mm का नहीं चलेगा इसमें। चलो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस दोनों व्हील को लगाने का प्रोसेस बताता हूँ। देखो इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है जिससे आपका जो व्हील है वो आपको फिट होने वाला है, फिक्स होने वाला है। देखो ये कुछ नट बोल दिया है, देखो ये वाटर लीकेज ना, इस वजह से टेफ्लॉन टेप भी दिया, हर चीज़ एकदम प्रॉपर बंदोबस्त के साथ दिया है इन लोगों ने। तो दोस्तों ये देखो ये जो नट बोल्ट वगैरह दिया है इस पैकेट के अंदर, तो आपको ऐसा करना है। देखो ये दो है, दो साइड में दो ऐसा फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर व्हील लग जाएंगे। देखो ये लॉक सिस्टम दिखा होगा, ये सब प्रेस सिस्टम, तो आपको ऐसा प्रेस करना है और ये अंदर चला जाएगा, वो बिल्कुल ईजी है। देखो ये सच कहो तो व्हील को आप कभी भी डिसमेंटल और कनेक्ट डिसकनेक्ट कर सकते हो, इस वजह से ऐसा दिया है। असेंबल कर सकते हो, डिसेंबल कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ये देखो ये दोनों साइड में सेम ऐसे पुश करेंगे यहाँ पर, ये देखो ये लग गया, देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, प्रॉपर ये लॉक सिस्टम हो गया। अब व्हील को ऐसा लगाएंगे, ये देखो, ये देखो ये व्हील बाहर आ गया। अब ये जो नट दिया है ये नट को हम ऐसा लगा देंगे, अरे कहाँ है छोटा नट, हाँ ये देखो ऐसा आपको लगा लेना है, थोड़ा सा पाना सा अच्छे से टाइट कर लेना। और आपको सेम ऐसे ही व्हील को ऐसा डालना है अंदर और इस साइड में ऐसा लगा लेना है। अब हम इसको खड़ा कर लेते हैं मशीन, ये देखो वाओ हो गया, ये ऐसा सेम, ये भी ऐसे लॉक सिस्टम, इसको जस्ट प्रेस करो तो ये लग जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद आपको ये जो मेन जो पावर बोर्ड है आपको ये ऐसा पीछे लगा लेना है। तो आपको इस बॉक्स को पहला खोलना पड़ेगा। ये देखो ये चारों नट खुल गए। उसके बाद आपको ऐसा फिक्स कर लेना है ये। क्या अगर ऐसा अगर असेंबल किया हुआ देंगे ना तो फिर वो बॉक्स के अंदर फिट नहीं बैठेगा, इस वजह से कंपनी वाला खोल के देता है वो। तो क्या आप अपनी हिसाब से बाद में उसको फिक्स करके ले सकते हैं ऐसा। ये देखो ये फिक्स हो गया। ओके आपको फिर इसको ऐसा लगा लेना है। ओके देखो बॉक्स प्रॉपर फिट हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं इसको, हम इसको लगाएंगे। ये हो गया। ओके ये देखो, ये देखो एक साइड लग जाएगा। जो क्विक कनेक्टर सिस्टम दिया हुआ है एक साइड सीधा इधर एकदम आसानी से इसको लग जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसा हम पीछे ऐसा पुश करेंगे ऐसा, और बाद में इसको ऐसा पुश करेंगे। देखो ये लग गया। दोबारा डिस्कनेक्ट करना, देखो ये वाला ये जो मेन पॉइंट है ये वाला है ना, इसको हम ऐसे पीछे खींचेंगे और उसमें इजीली कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। देखो ये जो गन है ये देखो ये सेम ऐसे पीछे ऐसे पुश करके ऐसा इसको लगा लेंगे। ये देखो ये लग गया। कितना आसानी से लगता है, एक सेकंड का काम है ऐसा लगाना, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट बहुत ही आसान है। तो हम कार के पीछे साइड में जाएंगे और देखेंगे एक्चुअली ये कितना दूर तक जाता है ये पाइप। ये देखो मैं कार के कितना पीछे चला, मतलब ऐसा है कि भाई अगर आपने कार खड़ा किया तो दो कार के आसपास लंबाई इतना हो गया। देखो कुल मिला कि एक आपने एक साइड से आपने शुरू किया ऐसा प्रॉपर। देखो ये वॉशिंग करते करते हमने ये वॉशिंग किया, और देखो वॉशिंग करते करते पूरा कार के आर पर ही यहाँ तक चलाया। देखो ऐसे पूरा कार घूम के राउंड मार के यहाँ तक चलाया, इतना लंबा पाइप है। तो कुल मिला के भाई पाइप भी तो हैवी ड्यूटी दिया, प्लस बहुत ही ज़बरदस्त लंबा पाइप दिया लोगों ने। दोस्तों ये देखो ये जो हैंगर है हमने यहाँ पर जो फिक्स किया था इसको, ये देखो ऐसा ईजिली इसको हम ऐसे टंगा सकते हो। बाद में यहाँ पर ऐसे फोम कैनन वगैरह हर चीज़ें अपने हिसाब से रख सकते हो। और ये देखो यहाँ पर ये एक दो तीन चार, जो चार जो नोजल दिया है ये अलग अलग पैटर्न का नोजल दिया, मतलब एक एक पॉइंटेड होंगे, एक स्प्रेड होंगे, एक मीडियम तरह का होंगे, ये चार अलग अलग तरह का नोजल उन्होंने दिया हुआ है। और रही बात फोम कैनन का, अभी मैं आपको उसके बारे में भी अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखो तो आपको समझ में आएगा कि फोम कैनन का क्या सीन है इस मशीन के साथ। मुझे पता कि इसके साथ फोम कैनन भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा, पर आपको कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा। हाँ लेकिन मशीन के साथ आपको फोम कैनन नहीं देता है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ सकता है। मशीन के बारे में कुछ डिटेलिंग बताना अभी बाकी रह गया। देखो जैसे कि मशीन जो है वो 100% कॉपर वाइंडिंग मशीन है ना, और प्लस देखो ये जो ऑयल है अंदर, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो ये देखो यहाँ पर एक ऑयल का पॉइंट दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिखा, ये आधा देखो भरा हुआ है ना, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा भरा है, ये हमेशा आपको भरा हुआ रहना चाहिए। उधर उधर से दिखा सेंटर से यहाँ से दिख जाएगा। देखो ये देखो ये वाला है ना, आपको दिख रहा है ऑयल, आपको हमेशा ऑयल की तरफ ध्यान देना चाहिए है ना, आपको ऑयल ये भरा हुआ रहना चाहिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आधा भरा हुआ रहना चाहिए, आपको ये चेक करते रहना चाहिए। और देखो ये प्रेशर गेज दिया कि कितना प्रेशर हो रहा है, क्या हो रहा है ना, वो चीज़ आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और ये जो पॉइंट है आपको ऐसे ये मशीन का प्रेशर कम ज़्यादा करने को ऑप्शन मिल जाएंगे ये वाला पॉइंट से। दोस्तों देखो मशीन पूरा फुल फिक्स हो जाने के बाद फाइनली अभी इनलेट पाइप का भी बचा है, तो आपको क्या करना है, ये देखो ये जो क्लिप है आपको ऐसा लगा लेना है। और उसके बाद ये जो इनलेट पाइप का जो पॉइंट दिया है नीचे साइड में, देखो ऊपर वाला है ये आउटपुट, ये है नीचे वाला इनपुट, तो आपको यहाँ पर ऐसा कनेक्ट कर लेना है। हो गया ये इनलेट पाइप हो गया। और उसके बाद आपको ये फिल्टर वगैरह प्रॉपर कनेक्ट कर लेना है, ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो जाए कि अंदर से कुछ कचरा चला गया, बाद में आपको मशीन के जो गन है वहाँ पर एकदम बारीक सा छेद रहता है ना मशीन के गन के पॉइंट में, वहाँ पर ब्लॉक हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ सकता है ना। तो आपको इस चीज़ का आपको हमेशा फिक्स करके रखना है। और ये दो ये जो पॉइंट है आपको ये ऊपर ये कैप है इसका, ये देखो ऐसा ऐसा कम ज़्यादा ऐसा घुमाने के लिए है ना, ये देखो ये हो गया। ओके तो आपको इसको कैसा फिक्स करना है, ये देखो ये है मेन फिल्टर जो नॉर्मली टंकी के अंदर रहेगा, और ये वाला है ऐसा, ये देखो ये। अगर आप नॉर्मली टंकी यूज़ नहीं कर रहे सीधा, अगर आप आपके नल पे लगा रहे हो तो सीधा ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। अगर आप नल पे नहीं लगा रहे हो, रनिंग वाटर पे नहीं लगा रहे हो, तो आपको सीधा टंकी के अंदर से लगाना चाहिए। और इतना खतरनाक फिल्टर इस वजह से दिया हुआ था कि आप प्रॉपर फिल्टर होने के बाद ही आपको मशीन के अंदर जाए। और इतना ज़्यादा फिल्टर देने से क्या होता है, लॉन्ग टाइम बाद में फिल्टर जाम नहीं होता, इस वजह से ऐसा दिया हुआ है। देखो ऐसा ये देखो मशीन के साथ एक बारीक सा पिन दिया हुआ है, ये किस काम का, जैसे अगर आपके गन के आगे का जो नोजल है वो अगर कभी अगर ऐसा मतलब कचरा वगैरह फंस जाए तो इससे आपको ऐसा क्लीन करने को मिलेगा। देखो ये जो नोजल है ना, ये देखो ऐसा आर पार जाता है ऐसा, देखो ये देखो ये आर पार ऐसा प्रॉपर ऐसा क्लीन करने के लिए है ये चीज़ें। देखो ऐसा इसको वैसे ये बारीक पिन दिया हुआ है, आपको इसको ये संभाल के रखना चाहिए। दोस्तों ये देखो मैंने प्रॉपर कनेक्शन कर लिया है, और देखो मैंने ड्रम के अंदर ये जो पाइप है इसके अंदर डाल दिया। और जो बारीक वाला पाइप है, क्या ये पाइप बारीक है तो मशीन उतना खींचेंगे तो फिर पाइप जो पाइप है ना उससे आ नहीं पाएगा, इसी वजह से मैंने ये मोटा पाइप बाल्टी के अंदर डाल दिया, और बारीक वाला पाइप से मैं बाल्टी ड्रम को भर रहा हूँ, तो बाद में ये अच्छा रहेगा ये कॉन्सेप्ट। तो बाकी आप जब कार वॉशिंग करो आपको तो पता, आपको बड़ा ड्रम में आप पानी स्टॉक करके बाद में ऐसे ही खींच के बाद में ऑटोमेटिकली मशीन से बाद में यूज़ करना, या तो जो मोटा पाइप से रनिंग पाइप इसको रनिंग वाटर उसमें डालना ऊपर वाला टंकी से, ठीक है। तो अभी हम मशीन सबसे पहले चालू करेंगे, गन को ऐसा इस पॉइंट पर दबा के रखना है,
ये आगे नोजल लगाना नहीं है, नोजल लगाने से पहले इसे गन को दबा के मशीन को ऑन कर देना है। बाद में ऑन हो जा भाई, ये ऑन हो गया। ये देखो ये पानी ऑटोमेटिकली खींच के ले रहा है, देखो ये अंदर, ये देखो आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, वो फोर्स से निकल रहा है एकदम, देखो जबरदस्त फोर्स, वाओ, ओ हो हो। अच्छा इसमें और एक सिस्टम देख रहा हूँ मैं, नॉर्मली जैसे मैं ऐसे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, बाद में ये मशीन पानी आ रहा है, छोड़ दिया, मोटर ऐसा सच को तो रनिंग में है लेकिन पानी बंद हो गया। ये कुछ अलग टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, ये बिल्कुल लाइटली चल रहा है वो, ये बिल्कुल प्रोफेशनल जो हैवी ड्यूटी मशीन है ये वो है। आप इसको चाहे तो भाई 24 घंटे भी दबा के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़बरदस्त हैवी ड्यूटी मशीन है ये, वाह भाई वाह। चलो अब हम सबसे पहला रेड वाले खोलेंगे, खतरनाक रेड वाला है ना, खतरा होता ना रेड, तो हम उसको रेड वाले खोलेंगे और फिर बाद में प्रेशर मारेंगे। कहाँ मारेंगे, यहाँ पर पहले मारता हूँ। वो भाई साहब तूफान तूफान मचा दिया एकदम, देखना ना कैसा है, देखो शिट, अरे वाह वाह भाई वाह, आग है एकदम आग, मतलब इतना प्रेशर, मेरा जो गन है ना बिल्कुल पीछे तरफ पुश करता है, वो धकेलता है ऐसा, देखना ये देखो ऐसा, मतलब मैं अपने हाथ में प्रॉपर फोर्स फील कर पा रहा हूँ कि मेरा हाथ कैसा पीछे तरफ पुश कर देता है वो, देखो हाँ ये देखो ऐसा, ये देखो मशीन गन चला देना ऐसा, ये देखो इतना पुश करता है पीछे, इतना ज़बरदस्त पावर है इसमें। ओके तो ये तो रेड कलर का नोजल हो गया जो पॉइंटेड निकल रहा है, और ये वाइट वाला लेके देखेंगे अभी इसमें कैसा निकल रहा है। ओ हो स्प्रेड निकल रहा है, देखो स्प्रेड, ये है प्रॉपर कमर्शियल वॉशर, आपको कमर्शियल मशीन चाहिए था ना, ये है प्रॉपर कमर्शियल वॉशर जो है ये, इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा, आपको सीधा कंपनी वाले से ऑर्डर करना पड़ेगा फ़ोन करके। मैं कंपनी का डिटेलिंग सब कुछ डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस मशीन का अगर खरीदना है तो। ये मशीन का जो कीमत है करीब करीब 40,000 के आसपास है वो। ये देखो ये और एक ग्रीन वाला, ये थोड़ा सा और मतलब पॉइंटेड स्प्रेड थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा ऐसा चौड़ा कम है इसका। ओके और येलो वाला देखेंगे कैसा है, ये भी ऐसा होगा लगता है स्प्रेड होगा वो। अच्छा ये स्प्रेड और भी थोड़ा सा कम है, कुल मिला के ये थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड, ये थोड़ा सा मीडियम स्प्रेड, ये थोड़ा और कम स्प्रेड, और ये वाला बिल्कुल एकदम पॉइंटेड है। तो हम एक काम करेंगे, मैं थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड वाला इसी से यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इतना मैं ऐसा फोर्स मारने वाला नहीं हूँ, इस वजह से ज़्यादा प्रेशर जो स्प्रेड है उससे मैं यूज़ करने वाला हूँ। जितना ज़्यादा स्प्रेड होता है ना उतना थोड़ा प्रेशर कम होता है, बॉडी में कम फोर्स लगता है बाद में। अरे बाद में आप इसको जैसे जैसे घुमाओगे अलग अलग पॉइंट से देखो, जैसे ये अभी ये ऐसा निकल रहा है ना, उसको हम घुमाएंगे ऐसा, देखो ये चपटे में निकल रहा है, तुमने कहा इसको जैसा घुमाओगे ऐसा निकलेगा, ये पॉइंट कर देंगे ऐसा ऐसा ऐसा, अपने हिसाब से आप उसको एंगल चेंज कर सकते हो। अरे भाई साहब एक सेकेंडों में देखो ज़रा वॉशिंग हो जाएगा भाई, प्रेशर जो है आग है बिल्कुल आग, तूफान वो शिट एकदम जबरदस्त प्रेशर है, इतना प्रेशर मैंने आज तक सच को तो मैं किसी मशीन में नहीं, अभी तक मैंने प्रैक्टिकली हाथ में मैंने यूज़ नहीं किया, इतना ज़बरदस्त प्रेशर है। और पता नहीं इसमें क्या टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता मुझे, मैं जब गन को प्रेस करता हूँ ऑटोमेटिकली पावरफुल निकलता है, लेकिन मशीन देखो मोटर चालू है एक लेवल पर अपना, कोई जोर नहीं कुछ नहीं, बस चल ही रहा है, रोलिंग चालू है वो मोटर, पता नहीं अंदर से इसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी है अंदर ही, जिस वजह से ऐसा वो ऑटोमेटिक होता है, गन को जैसे प्रेस करेंगे देखना कैसा हो जाएगा वो। ये पावर वाह भाई वाह, फाड़ के निकल रहा ऐसा लग रहा है, वो हो वो वो भाई तूफान है एकदम तूफान, देखो जरा वाओ, ओहो सच को तो इतना ज़्यादा प्रेशर है सच को, मैं अपने हिसाब से खुद से मैं ठीक से मैं एक्चुअली बैलेंस बना के चल नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो मेरे को इतना ज़्यादा पीछे पीछे धकेल रहा है, इतना प्रेशर है इसमें। छोटे बच्चे के हाथ में भाई ये मत देना, क्योंकि वो बाद में ऐसा गन को गलती से प्रेस करके उसको पीछे ही फेंक देगा, इतना फोर्स से वो प्रेशर मार रहा है, वो जबरदस्त प्रेशर है एकदम, देखो जरा वाह भाई वाह, मतलब इतना खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुआ प्रेशर वर्सर तो फोन में से अगर बात करेंगे।
ओहो, लेकिन एक बात है कि देखो ये जो कमर्शियल मशीन है और इस मशीन का कीमत है 40,000 रुपया है ना, और नॉर्मली अब छोटा जो मशीन होता है जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो जो घर के लिए उसके लिए होता है वो 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 के अंदर मशीन होता है। तब वो 10,000 का मशीन के साथ अब इसका 40,000 का मशीन आप ऐसा मतलब कंपेयर नहीं कर सकते भाई, ये तो बेटर होगा ना, मतलब 4-5 गुना 10 गुना ज़्यादा बेटर होगा ये मशीन है ना। तो इसीलिए उसमें कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं कि भाई ये मतलब जो है ना वो छोटा वाला मशीन से आप अगर ऐसा उम्मीद करोगे कि भाई ऐसा परेशान निकलेगा तो ऐसा नहीं होता है ना, इसका तो बात ही अलग है। ओहो हो, मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे मैं प्रेशर चालू करता हूँ ऐसा लगता है जैसे कि चक्की के एसेट में ऐसे ना अंदर से ब्लास्ट हो रहा होगा, मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है एकदम जबरदस्त, इतना प्रेशर है। वो मैंने पहले एक ऐसा ही एक मशीन देखा था मैंने जब मैं गोवा में था तभी, तो वो कंपनी वालों ने करीब करीब 1,00,000 रुपये मांगा था सेम इसी टेक्नोलॉजी का, सेम इसी मशीन को, मतलब दूसरा कंपनी का था वो, तो वो 1,00,000 रुपये मांगा था इस मशीन के लिए। लेकिन आज मुझे देखो नॉर्मली ये दूसरा कंपनी का है ना, ये शक्ति कंपनी का, शक्ति टेक्नोलॉजी, जो नॉर्मली 40,000 के अंदर दे रहा है आपको ये सेम यही टेक्नोलॉजी यही मशीन। मतलब इसमें प्रेशर इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि कान का हेलीकॉप्टर चल रहा होगा, मतलब पानी का प्रेशर जब निकलता है ना तभी ऐसा फील होता है एकदम, इतना प्रेशर ज़्यादा है। वाओ वाह भाई वाह, मतलब अगर आपका कार की पानी मारने वाली बात करेंगे तो मुझे लगता है हाईएस्ट 1 मिनट के अंदर पूरा कार को ना झर 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 करके पानी मार के हो जाएगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर, इतना फास्ट काम करता है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, देखो कार को तो पानी मार के हो गया भाई, बहुत ही मज़ा आया। अब ये जो व्हाइट वाला नोजल है इसको मैं रख देता हूँ, अभी जो रेड वाला लगाता हूँ, देखो रेड वाला लगा के ये जो सीमेंट का जो ईंट है इसको भी मैं कट करके बताने वाला हूँ, आपको पता चलेगा देखना कितना प्रेशर है, और साथ मुझे भी देखना कि कितना फास्ट कट करता है, ये भी मुझे भी इंतजार है इस बात का देखने के लिए। ओके डर भी लग रहा है सच कहूँ तो, वो क्या है मेरे आँखों में आता है रिटर्न प्रेशर की वजह से। शिट शिट, वो जो ईट है उसको धकेल के फेंक दिया एकदम दूर, और देखो चारों ओर से रोलिंग हो गया ना एक बार, तो रोलिंग की वजह से देखो पूरा ईट चारों ओर से रोल होके कट हो गया, देखो 1 सेकंड के लिए ऐसा बस प्रेशर लगा और पूरा चारों ओर से रोलिंग होके कट हो गया वो, ये देखो पूरा कट हो गया। चलो एक काम करते वापस मैं एक जगह पर आराम से रखता हूँ, इस बार धीरे से आराम से उसको ये करूँगा, नहीं तो पूरा ईट को धकेल के फेंक दिया, आप समझ रहे हो ईट कितना वजन, कम से कम 3-4 किलो का वजन का ईट है, उसको बिल्कुल पुश करके फेंक देता है, इतना पावरफुल प्रेशर है। आज तक मेरे को ऐसा प्रेशर वाला मशीन मेरे हाथ में तो नहीं आया भाई, इतना तो धुआंधार प्रेशर है, तो आराम से कट करता हूँ मैं। ये देखो ये कितना कट हो गया, और ऐसे जैसे मैं ईट को रोल किया था ये देखो चारों ओर से कट हो गया 1 सेकंड के अंदर ही, इतना पावर है यार मशीन में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा पॉइंटेड करके आप अपने कार के बॉडी में भाई मत मारना, इतना ज़्यादा प्रेशर है मत मारना, वो जो नॉर्मली दूसरा वाला जो व्हाइट कलर का जो नॉजल है उसको लगाना ताकि ऐसा स्प्रेड हो जाए, स्प्रेड करने के बाद ही अपने कार के ऊपर मारना, इसे पॉइंटेड करके मारोगे आपका लॉन्ग टाइम पेन नहीं रहेगा, ये डैमेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर है। तो आपको गलती से मैं बोल रहा हूँ भाई ये पॉइंटेड वाला आपको यूज़ करने की जरूरत ही नहीं, मैं इस मशीन को अगर यूज़ करोगे तो ये पॉइंटेड वाला साइड में रखो, गलती से भी यूज़ मत करो, और अगर गलती से हाथ पैर में लग जाए ना भाई फाड़ देगा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत संभाल के रहना है। तो हमेशा आपको ये व्हाइट वाला लगा के रखना है, इसमें सेफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रेड वाला यूज़ ही मत करना, इतना बहुत डेंजर है वो प्रेशर। मैंने आज तक ऐसा कभी बोला नहीं कि किसी इस नोजल को यूज़ मत करो डेंजर है, ऐसा मैं आज तक कभी बोला नहीं, पर मैं इसमें बता रहा हूँ क्योंकि मतलब एक्चुअली बहुत डेंजर, किसी के ऊपर गलती से पॉइंट करके मत मारना, छेदा हो जाएंगे, आर पार हो जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर है इसमें। तो दोस्तों देखो मशीन के साथ तो देता नहीं है, खाली ये गन देता है और ये नोजल देता है, बाकी मशीन के साथ और कुछ भी नहीं देता, क्योंकि कमर्शियल में ऐसे ही होता है। तो मैंने ये अलग से मैंने ये मंगाया हुआ है, देखो अंडर चेसिस क्लीनर है ना, और अलग से फोम क्लीनर मंगाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा था ये अंडर चेसिस क्लीनर से आप अपना कार में कैसा क्लीन कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसा फ्लोर वगैरह बनाना नहीं चाहते, जो रैम होता है कार का रैम बनाना नहीं चाहते, ऐसे नीचे फ्लोर पर अगर अपना कार वॉशिंग सेंटर चालू करना चाहते हो तो इस तरह का आपको नोजल लेना पड़ सकता है। देखो ये 4 नोजल है, इसमें से 4 नोजल से ऐसा निकलेंगे, तो आपको ऐसा कनेक्ट कर लेना इसको ऐसा, ये नोजल को भी निकाल देता हूँ मैं ये, और देखो ये जो अंडर चेसिस जो क्लीनर है ये मैंने IMEX की तरफ से मंगाया हुआ है, ये देखो ऐसा क्लीन हो जाएगा वो, ये देखो पावरफुल शॉट एकदम, ये अंदर चला जाएगा, देखो ये
पूरा चारों ओर से ऐसे घूम के वापस आ जाएगा। आपको जहाँ से आप वहाँ पर ऐसा कर सकते हो, देखो ये कोई टेंशन नहीं है, प्रॉपर क्लीन हो जाएगा। मतलब मशीन में इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, मतलब धुआधार, ये देखो आप एक ही साइड से पूरा ऐसा प्रॉपर क्लीन कर सकते हो। ये देखो ऐसा वाला साइड से हो गया, अब वापस ये साइड से आ जाओ ऐसा, ये देखो पूरा कार के अंदर हो जाएगा ऐसा, ये देखो प्रॉपर क्लीन हो गया। वाओ प्रेशर देखा आपने कैसा है, देखो एकदम तबाही है, तबाही प्रेशर, मज़ा आ गया। ये दोस्तों अगर आपको ये अंडर चेसिस क्लीनर वगैरह चाहिए तो वो अलग से अमेजोन पे मिल जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तो पता है मैं हर चीज़ का हमेशा से लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हैं सब चीज़ें। अब बारी है ये फोम क्लीनर का, ये देखो ये जो फोम क्लीनर है ये कजार का फोम क्लीनर है, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का ले सकते हो। हाँ लेकिन कोशिश करना हमेशा ये जो कमर्शियल वाला यूज वाला हैवी ड्यूटी वाला वही यूज़ करना, क्योंकि नॉर्मली अगर छोटा मोटा आलतू बलतू यूज़ करोगे तो आपका फोम क्लीनर जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, प्लस फोम भी अच्छे से नहीं निकलेगा। तो ये आज मैं शैम्पू यूज़ करना, ट्रूवैक शैम्पू है ना, आप चाहे तो वो भी आप कौन सा भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ट्रूवैक्स का यूज़ करना है, या तो आपको ऐसा जरूरी नहीं कि कजार का ही फोम क्लीनर यूज़ करना है। लेकिन जो चीज़ें बेस्ट है मेरे पास, जो अच्छा है सबसे इस मशीन के साथ, जो फिट बैठेगा या तो जो आपके लिए भी कम और कम पैसे में और ज़्यादा अच्छा वाला मशीन मिले, जो प्रोडक्ट मिले आपको, मैं वही चीज़ें दिखा रहा हूँ। चलो मैं इसमें बाकी का पानी भर लेता हूँ, 100 ml शैम्पू डाला, बाकी पूरा पानी भर लेंगे। देखो मैं अपना वीडियो में ज़्यादा था एडिटिंग वगैरह उतना ज़्यादा करता नहीं, क्यों, क्योंकि आपका वीडियो मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ और आपको सब कुछ समझ में लाइव देखने को मिलेगा मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ज़्यादा मेरा इसमें वीडियो में ऐसा कट वगैरह रहता नहीं है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से समझने के लिए। ये देखो 100 ml शैम्पू डाला, बाकी का पूरा पानी भर दिया, ये थोड़ा सा शेक कर लेंगे, उससे क्या शैम्पू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे अंदर, ठीक है। ये फोम कनेक्ट कर लेंगे, अब बाद में कार को अप्लाई करेंगे। मेरे को सच को तो डर लगता है डायरेक्टली कार के पेंट में मारने के लिए, पता नहीं फोर्स से ऐसा मतलब निकल जाए तो टूट फूट के, तो मैं सबसे पहले कार के टायर में मारता, हमेशा मेरा एक आदत सा है। ये भाई साहब एकदम गाढ़ा गाढ़ा फोम निकल रहा है, लेकिन क्या वो कैसा निकल रहा है, वो ऐसा ऐसा चपटे में निकल रहा है, मुझे ऐसा स्प्रेड में चाहिए, तो इसको ऐसे घुमा के ऐसा स्प्रेड कर लेते, अब देखते कैसा निकल रहा है ये। हाँ अब ठीक है, वो हो 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 वो हो 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 वो हो 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 हो, ये देखो वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। वाह मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो शैम्पू है जो फोमिंग जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है, एक्चुअली शैम्पू का उतना ज़्यादा किरदार नहीं रहता है, मेन रहता है क्या फोम कैनन और जो प्रेशर, वो दोनों प्रॉपर अगर रहेंगे ना, प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर फोमिंग क्रिएट होता है, और नॉर्मली फोम कैनन है वो उसके अंदर जो मैश होता है वो कैसा होता है उस पर फोमिंग क्रिएट होता है। तो नॉर्मली ये फोम कैनन का देखो जब मतलब मैश भी ज़बरदस्त है, फोम ज़बरदस्त हो एकदम देखो एकदम, और बाद में जो मशीन का प्रेशर है वो तो लाजवाब, आपको तो पता ही है। और ये देखो पाइप इतना लंबा दिया है, सीधा हम जाएंगे पीछे और सीधा कार के पीछे मारेंगे, ये वो हो ये देखो। चलो मैं आपको ऐसा मार के दिखाता हूँ, देखने एक जगह पर देखना ऐसा कैसा भर जाएगा एकदम, देखो ये देखो वाह भाई वाह, ये देखो आपको दिख रहा है शैम्पू ये देखो कितना ज़्यादा शैम्पू है, वाह फोम ही फोम है, तो दोस्तों इस मशीन को यूज़ करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे पता है मुझे भी यकीन है कि भाई आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई इस तरह का प्रेशर वाला मशीन मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है, और आपको पता है कि नॉर्मली आपने देखा है लाइव कि भाई कितना ज़्यादा प्रेशर है इस मशीन में है ना। तो आपके अगर वॉशिंग सेंटर में अगर इस मशीन को लगाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कंपनी वाला का नंबर दे दूँगा, प्लस जो फोम कैनल वगैरह का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके मशीन खरीद सकते हो, कंपनी वाले से फ़ोन करके बात कर सकते हो। दोस्तों ये देखो मैंने इसमें जो व्हील लगाया था ना, ये देखो मस्त, इससे अभी कार वॉशिंग तो हो गया, देखो कार भी कितना चमक रहा है ना, तो हम इसको बस ऐसा लेके जा सकते हैं कहीं पर भी, देखो ऐसा मतलब वज़न इतना ज़्यादा है ना, उसको उठा के लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस वजह से व्हील में आप इजीली ऐसा लेके जा सकते हो, देखो ऐसा ये खासी भी आप खींच सकते हो, ऐसा चाहे तो आगे लो या तो चाहे तो ऐसा पीछे लो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।